ये आकाशवाणी है। आज के अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सुनेंगे उस्ताद छोटे रहमत खां का सितार वादन। उस्ताद छोटे रहमत खां इंदौर धारवाड़ घराने के प्रसिद्ध सितार वादकों के परिवार के छठी पीढ़ी के कलाकार हैं। आपको 10 साल की उम्र से अपने पिता स्वर्गीय उस्ताद अब्दुल करीम खां द्वारा कठोर रूप से प्रशिक्षित किया गया। आप सितार रत्न उस्ताद रहमत खां के पोते हैं जिन्होंने खर्च पंचम के सितार का आविष्कार किया था। उस्ताद छोटे रहमत खां अपनी 19 साल की उम्र में आकाशवाणी दिल्ली के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपनी सफलता के लिए पद्म विभूषण स्वर्गीय डॉक्टर गंगूबाई हानगल के हाथों से सम्मानित किया गया था। आप आकाशवाणी के उच्च श्रेणी के कलाकार हैं। आपके सितार वादन शैली में गायकी, लयकारी तथा तंत्रकारी अंग के तत्व शामिल हैं। आपने देश विदेश में आयोजित होने वाले अधिकांश प्रतिष्ठित संगीत समारोह में अपनी सितार वादन प्रस्तुत किया है। हाल ही में यानी 2019 में कर्नाटक सरकार द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। आपने कला एकेडमी गोवा में भारतीय संगीत और नृत्य संकाय के प्रमुख के रूप में काम किया है। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर श्री राजेंद्र नाकोड़ साथ दे रहे हैं। उस्ताद छोटे रहमत खां अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग बिहाग से कर रहे हैं। आलाप, जोड़, झाला और दो बंदिशें जो के एक प्रकार का रुद्रताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध हैं। This is All India Radio. In tonight's national program of music, we bring you a sitar recital by Ustad Chote Rehmat Khan. Ustad Chote Rehmat Khan belongs to the sixth generation of a musically rich family of renowned sitar players of Indore Dharwad Gharana. He started learning sitar at the age of 10 and was trained under the able guidance of his father, late Ustad Abdul Karim Khan. Ustad Chote Rehmat Khan is a grandson of Sitar Ratna Ustad Rehmat Khan, founder of the Kharas Pancham Sitar String Setup. At the age of 19, Ustad Chote Rehmat Khan was felicitated by Padma Vibhushana Dr. Gangubai Hangal for his success in the national level competition of All India Radio. Now, he is a top grade artist of All India Radio. In 2019, Ustad Chote Rehmat Khan was conferred with the Rajyotsava Award by the Government of Karnataka. He has worked as the head of the Department of Indian Music and Dance at the Kala Academy, Goa. In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Shri Rajendra Nakod. Ustad Chote Rehmat Khan begins his sitar recital with Rag Bihag, in which he presents Alap, Jod, Jhala and compositions set to a prakar of Rudratal and Teental. Thank you.
अब तक आप सुन रहे थे राग बिहाग, अब आप सुनेंगे राग जोग कांस। आलाप दो रचनाएं जो के झपताल और एक ताल में निबद्ध हैं। That was राग बिहाग। Now you will listen to राग जोग कांस, आलाप, compositions set to झपताल and एक ताल। Thank you.
यह था राग जोग कांस। कार्यक्रम को जारी रखते हुए उस्ताद छोटे रहमत खां अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग जन सम्मोहिनी। आलाप जोड़ झाला दो रचनाएं विलंबित और द्रुत तीन ताल में निबद्ध हैं। दैट वॉज राग जोग कांस। कंटिन्यूइंग हिज सितार रिसाइटल उस्ताद छोटे रहमत खान नाउ प्रेजेंट्स राग जन सम्मोहिनी आलाप जोड़ झाला कंपोजिशंस सेट टू विलंबित एंड द्रुत तीन ताल।
Thank you.
ये था राग जनसम्मोहिनी। उस्ताद छोटे रहमत खां अपने कार्यक्रम का समापन पीलू धुन से कर रहे हैं। यू वे लिसनिंग टू राग जनसम्मोहिनी। उस्ताद छोटे रहमत खान कंक्लूड्स हिज सितार रिसाइटल विद अ पीलू धुन। Thank you.
यह था राग पीलू में धुन। इसी के साथ आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है, जिसमें आप सुन रहे थे उस्ताद छोटे रहमत खां का सितार वादन। आपको तबले पर श्री राजेंद्र नाकोड साथ दे रहे थे। यह रिकॉर्डिंग आकाशवाणी धारवाड़ की स्टूडियोज में किया गया था। दैट वॉज अ धुन इन राग पीलू। With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you heard a sitar recital by Ustad Chote Rehmat Khan. He was accompanied on the tabla by Shri Rajendra Nakod. This program was recorded earlier in the studios of All India Radio, Dharwad.